नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर कहा, बीजेपी आलाकमान के रवैये से परेशान है, अच्छे और ईमानदार लोग पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बारूदी सुरंग विस्फोट में कोबरा बटालियन के 10 जवान शहीद, गोलीबारी में 4 नक्सली भी ढेर। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के बाद हिंसक हुआ आंदोलन। धोराजी में प्रदर्शनकारियों ने फूंकी दो सरकारी बसें। 11 जुलाई को कथित गोरक्षकों ने की थी दलितों की पिटाई। यूपी उत्तराखंड में बाढ़ की चेतावनी। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ के हालातों पर राज्यसभा में होगी चर्चा। पाकिस्तान के बाद कश्मीर पर चीन ने भी अड़ाई टांग। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, कश्मीर में हिंसक झड़पों को लेकर चिंतित है चीन, शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी कि गायिका मुबारक बेगम नहीं रही, 80 साल की बेगम ने मुंबई में लिया आखिरी सांस। रियो ओलंपिक जा रहे एथलीटों को सलमान खान की सलाह, कहा जाओ और उठाकर पटको। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।